अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब हम ऑर्डर 2525 पे बात करेंगे, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट के हवाले से ये डील करता है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये होता क्या है। अब जब भी लिटिगेशन स्टार्ट होती है, सिविल लिटिगेशन, तो उसमें गुमान यही होता है, प्रोबेबिलिटी इसी बात की होती है कि जब भी केस डिसाइड होगा तो केस का खर्चा किसी एक फरीक को देना पड़ेगा। अब केस का खर्चा क्यों देना पड़ेगा? जो ज़्यादा जिम्मेदार होगा केस दायर करने का, खर्चा उसी को देना पड़ेगा। हम पहले भी एक वीडियो में इस पे बात कर चुके हैं, तो वो खर्चा बहुत ज़रूरी होता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस खर्चे की कितनी अहमियत होती है। जो कॉस्ट ऑफ सूट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी जो क्लेम है वो अपनी जगह पे, लेकिन अदालत देखेगी कि जनाब ये क्लेम अगर बनता था एक बंदे का और उसने राइटली दावा दायर किया और डिफेंडर देने से इनकारी था उसका जो भी क्लेम है, तो फिर डिफेंडेंट को उसकी कॉस्ट भी अदा करनी चाहिए, सिर्फ क्लेम नहीं, क्योंकि उसको कोर्ट में आना पड़ा, उस पर उसका खर्चा हुआ, उसने वकील हायर किया, ये सारी चीज़ों के अखराजात भी कोर्ट उससे वसूल करेगी। ब्रीफली इसको देख लेते हैं और साथ साथ इस पे डिस्कशन करते चले जाएंगे। रूल 1 है इसका, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द सोल प्लेंटिफ इज, और व्हेन देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, दैट ऑल द प्लेंटिफ्स आर रिजाइडिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड सच प्लेंटिफ डज नॉट, और दैट नो वन ऑफ सच प्लेंटिफ डज पोजेस एनी सफिशेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान अदर देन द प्रॉपर्टी इन द सूट द कोर्ट में। आगे ये बात लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ तक करता हूँ कि किसी भी स्टेज पे अदालत अगर ये देखे कि केस की किसी भी स्टेज पे कि जो प्लेंटिफ हैं, एक हो या एक से ज़्यादा हो, वो हर दो सूटों में वो पाकिस्तान में रिजाइड नहीं करते या पाकिस्तान में उनकी कोई सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय उसके कि जिस प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि कल अगर उस पे कॉस्ट पड़ती है सूट की तो वो उससे रिकवर की जा सके, तो फिर अदालत क्या करेगी? ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट ऑर्डर द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स विद इन टाइम फिक्स्ड बाय इट टू गिव सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड एंड लाइकली टू बी इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट। कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी कि जनाब आप सिक्योरिटी जमा करवाएं कोर्ट में उस पेमेंट के लिए जो फ्यूचर में आपको पड़ सकती है। हो सकता है कि ये जिम्मेदारी आपकी निकल आए, तो फिर वो पैसे रिकवर कैसे होंगे? आपकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान में, तो लिहाजा आप सिक्योरिटी जमा करवाएं कि अगर कल कॉस्ट पड़ेगी तो हम उससे रिकवर कर लें, आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं। उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट ये सिक्योर कर लेगी उसी सिक्योरिटी मांग कर। वेयर लीव्स पाकिस्तान अंडर सच सर्कमस्टांसेस, आई एम सॉरी, हूएवर लीव्स पाकिस्तान अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू अफोर्ड रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी फोर्थ कमिंग वेन एवर ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे कॉस्ट सच शेल बी डीम टू बी रिजाइडिंग आउट ऑफ पाकिस्तान विद इन द मीनिंग ऑफ सब रूल 1। अब यहाँ पे कोई शख्स अगर पाकिस्तान, वो प्लेंटिफ में से कोई अगर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और हालात ऐसे हैं जिससे ये रीजनेबल खदशा पैदा हो गया है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा और उसके कॉस्ट उससे वसूल करने का कोई और तरीका नहीं है, तो ये समझा ये जाएगा कि वो भी पाकिस्तान में रहायशी नहीं है इस सब रूल 1 के तहत। इसमें था ना कि जो पाकिस्तान में रहायश पजीर ना हो प्लेंटिफ उन पे को सिक्योरिटी मांग सकती है, तो जो छोड़ के जा रहा है वो भी समझा ये जाएगा कि ये पाकिस्तान का रहायशी नहीं है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट इन ए सूट फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन विच द प्लेंटिफ इज ए वुमन द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट मेक ए लाइक ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच प्लेंटिफ डज नॉट पोजेस एनी सफिशेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान। अब कोई भी डिफेंडेंट जब ये दरख्वास्त दे देगा किसी भी जो दावा है पेमेंट ऑफ मनी के हवाले से, पैसों के हक कोई कोई दावा रिकवरी के लिए किया हुआ है और उसकी प्लेंटिव खातून है, तो कोर्ट किसी स्टेज पे भी इसी किस्म का ऑर्डर उसके खिलाफ़ भी पास कर सकती है
क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे इमोल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर जैसे पैसे रिकवर हो सकें, तो कोर्ट उस खातून को भी कह सकती है कि जी आप प्लेंटिफ तो हैं, आपने केस फाइल किया है, लेकिन कॉस्ट का तो डिसीजन होना है अभी कि कॉस्ट किसको पड़ेगी, तो आप श्योरिटी जमा करवाएं कि जी वो कॉस्ट जो पड़ेगी वो आपसे रिकवर हो सके। ये इसलिए है कि खवातीन मोस्टली पोजेस नहीं करती प्रॉपर्टी, तो उनसे रिकवरी जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग फर्निश्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड, द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट अनलेस द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स आर परमिटेड टू विड्रॉ देयर फ्रॉम। जब भी अदालत ने कह दिया है कि वो सिक्योरिटी जमा करवाएं और सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई गई उस वक्त के अंदर जो अदालत ने दिया था, तो फिर अदालत उस प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिसमिस कर सकती है, और या फिर अदालत उसको ऑप्शन दे सकती है कि वो अपना दावा विड्रॉ कर ले। अब ये दोनों ऑप्शंस उसके पास हैं, वो विड्रॉ करना चाहता है या सूट डिसमिस करवाना चाहता है, मतलब अगर सिक्योरिटी मांगे अदालत तो वो देनी ज़रूरी है। वेयर ए सूट इज़ डिसमिस्ड अंडर दिस रूल द प्लेंटिफ मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड एंड इफ इट इज़ प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशेंट कॉज फ्राम फर्निशिंग सिक्योरिटी विद इन द टाइम अलाउड। अब वो अगर सूट डिसमिस हो गया है ऊपर वाले रूल के मुताबिक, और वो फिर जो भी प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है कि जी ये डिसमिसल सेट असाइड करके केस को दोबारा सुने, और मेरी श्योरिटी ना जमा करवाने की कोई ख़ास वजह थी और वो सफिशेंट कॉज थी जिसकी वजह से वो जमा नहीं करवा सका श्योरिटी कोर्ट में, तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है और वो कर सकती है उसका सूट बहाल। द कोर्ट शेल सेट असाइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एज टू श्योरिटी कॉस्ट और अदरवाइज थिंग्स फिट्स एंड शेल अपॉइंट ए डे फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। तो जब कोर्ट सेट असाइड कर देगी तो साथ ही साथ कोर्ट उसको ऑर्डर भी कर सकती है कि वो जो सिक्योरिटी है जो तुमने जमा नहीं करवाई थी अब जमा करवा दो, और जो उसके हवाले से जो ये सारा इस पे ख़र्चा भी डाल सकती है, क्योंकि खामखा एक हेक्टिक प्रोसेस को में कोर्ट को जाना पड़ा डिसमिस करके फिर बहाल करना पड़ा, तो उस इवेंट की जो कॉस्ट है वो भी उसे रिकवर की जा सकती है, और उसके बाद फिर फर्दर कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी जिस पे केस की समाअत शुरू हो जाएगी। द डिसमिसल शेल नॉट बी सेट असाइड अनलेस नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। ये डिसमिसल जो होगी इसको सेट असाइड उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक डिफेंडेंट को नोटिस ना दे दिया जाए कि जी ये बहाली के लिए आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है उनका? उसके बाद वो आएंगे, वो अगर उसको अपोज करना चाह रहे हैं तो अपोज करेंगे, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको मौका देना है दोबारा या नहीं देना। तो ये सारी सिचुएशन थी फ्रेंड्स इस हवाले से, जो भी कॉस्ट वगैरह होती है प्लेंटिफ से उसकी सोटी कैसे ली जा सकती है। ये बेसिकली कॉस्ट है सूट की कॉस्ट, जो केस दायर करने पे अखराजात आते हैं ये उस कॉस्ट का जिक्र हो रहा है। इसमें ये कहीं भी नहीं है कि कॉस्ट डेफिनेटली डिफेंडेंट को ही पड़ेगी। अब ये तो डिपेंड करेगा कि जो केस में आने की जिम्मेदारी है वो थी किसकी। मैं पहले एक वीडियो में इस पर बात कर चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने गिर्दोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।